तो गाइस आज मैं बहुत ही कमाल धमाल माला माल करने वाला हूँ क्योंकि आज मेरे हाथ में है मिस्ट्री बॉक्स इसे गिफ्ट बॉक्स भी बोल सकते हैं तो आज मैं पापा को देने वाला वो सौ मिस्ट्री बॉक्स जिसमें उनको सरप्राइज एडवेंचर और शौक भी मिलेगा और इसमें जो आखिरी वाला बॉक्स होगा उसमें पापा के साथ हम प्रैंक भी करेंगे तो ये देखो कितने सारे बॉक्स है टोटल तो मैंने हंड्रेड मिस्ट्री बॉक्स मंगवाया पापा के लिए तो गाइस इसी बात पे लाइक से सब्सक्राइब हो जाना चाहिए गाइस इसमें एक शर्त है शर्त ये है की पापा को ये सारे मिस्ट्री बॉक्स अलग अलग जगह पे खोलने होंगे मतलब की कि पापा किसी एक जगह पे दस से ज्यादा मिस्ट्री बॉक्स ओपन नहीं कर पाएंगे उनको जगह बदलते रहने पड़ेगी तो गाइस बहुत ही मजा आने वाला है और आखिरी वाला जो मिस्ट्री बॉक्स है उसमें बहुत ही बड़ा प्रैंक करने वाला हूं मैं है। तो वीडियो पूरा देखना अरे पापा सारे रूल समझ लिए ना आपने अरे हाँ मैंने समझ लिए चल चल ठीक है मैं रेडी हूँ इस चैलेंज के लिए तो गाइस पापा तो रेडी है तो क्या आप भी रेडी हो तो चलो जल्दी से लाइक कर देना और ये देखो रंग बिरंगी सभी तरह के मिस्ट्री बॉक्स है इसमें से कुछ भी निकल सकता है तो पापा जाओ जल्दी करो ओके गाइस आज का चैलेंज तो काफी तगड़ा होने वाला है और मजेदार भी क्योंकि मुझे इतने सारे मिस्ट्री बॉक्स को ओपन करना है भाई साहब बहुत ही सारे है तो चलो ये सबको मैं उठा लेता हूं फिर एक एक करके सबको खोलते हैं तो गाइज ये हंड्रेड मिस्ट्री बॉक्स मैंने उठा लिए है अभी एक एक करके इसको ओपन करना है और हां यहाँ पे एक रूल ये है कि मैं 10 से ज्यादा मिस्ट्री बॉक्स एक जगह पे ओपन नहीं कर सकता तो फिलहाल ये मेरे घर के आगे का हिस्सा है तो यहां पे मैं 10 तो ओपन कर ही सकता हूं तो चलो यहाँ पे यहाँ पे 10 लगा देते हैं एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और नौ और दस तो गाइस एक एक करके इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है मैंने प्रैंक जैसा कुछ सुना था लेकिन सरप्राइज भी सुना था तो मुझे पता नहीं है

पहला ही अच्छा था बाकी सब तो देखो ये भी ओ ये खाली नहीं इसमें कुछ फालतू की चीजें हैं, चार गोल्डन के इंगट है लेकिन कोई बात नहीं ओके इसमें क्या है ओ इसमें भी काफी कुछ सामान है और इसमें क्या है ओके गाइस तो दस में से सात तो खाली निकले और ये मेरे हाथ तो में हड्डी क्यों है तो चलो गाइस अब जाते हैं अंडर वाटर और देखते हैं कि क्या मैं पानी के अंदर इसको ओपन कर पाऊंगा कि नहीं तो यहाँ पे मेरे घर के सामने ही है ये पानी मतलब बहुत ही बड़ा समुन्दर है तो चलो देखते हैं इस समुंदर के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं ओके काफी साफ पानी है तो यहाँ पे हम अंदर जाएंगे लेकिन उससे पहले हम ये पोषण पी लेते हैं ओके चलो हमारे पास तीन मिनट का ही समय है जल्दी से अंदर चलते हैं और यहाँ पे दस गिफ्ट लगाते हैं एक, दो तीन चार पाँच सात आठ नौ और दस टोटल दस हमने लगा दिए चलो पहले ब्लैक से ओपन बक्से के, के अंदर तो सारा माल बिगड़ता जा रहा है ओके, 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 कुछ तो मिला है बाहर जाके देखूंगा ओके यहाँ पे क्या है भाई साहब डायमंड वगैरह मुझे कुछ दिख रहे हैं तो गाइस हमने 10 मिनट से मतलब 3 मिनट से पहले ही सारे बॉक्स ओपन ओपन कर लिए है अब देखते हैं कि हमें इसमें से मिला क्या है तो गाइस हमें यहाँ पे सात डायमंड्स मिले हैं एक शवल मिला है एक गोल्डन एप्पल और ये डायमंड का हेलमेट भी मिला है तो चलो इसे पहन लेते हैं और डायमंड की स्वॉर्ड भी बना लेंगे हम लेकिन गाइस मुझे नहीं लगता की इसकी जरूरत पड़ने वाली है तो चलो गाइस दूसरी जगह ढूंढते हैं तो गाइस मैं आ गया हूँ अपने वेयर हाउस में जहाँ हम ओपन कर सकते ये टोटल डिफरेंट जगह है तो चलो यहाँ पे दस बक्से लगा देते हैं एक दो तीन चार पाँच छे सात आठ नौ और दस इस बार एक भी काला नहीं है अरे यार एक काला वाला आ गया है तो चलो कोई बात नहीं हम यहाँ पे ग्रे से शुरुआत करेंगे एक काम करते हैं हैं पिंक वाला देखते कुछ अच्छा सामान मिल जाए हमें तो चलो भाई सब आयरन तो मिला है मेरे को यहाँ पे क्या ओ भाई बहुत सारे पेपर है इसके अंदर खाली है इसके अंदर ओखी ओ डायमंड आयरन तो चलो 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 जल्दी से करते हैं और ये क्या हो गया भाई बाकी के खाली मतलब दस में से तीन ही है जो अच्छे निकलते हैं ओके तो टोटल हमने तीस बक्से ओपन कर लिए हैं और इस वाले बक्सों में से हमें क्या मिला है कुछ डायमंड्स मिले थे आई थिंक जहां तक मेरे को पता है और यहाँ पे की बुक मिली है जिसका इस्तेमाल करना मेरे को नहीं आता कुछ आयरन के इंगट्स मिले हैं और काफी सारे गोल्ड मिले हैं चलो गाइस अभी तक कुछ ऐसा मजेदार मिला नहीं है लेकिन चलो जगह चेंज करके देखते हैं ओके गाइस तो मैं आ गया हूँ इस बर्फीली पहाड़ी पे जो मेरे घर से काफी दूर नहीं है पास में ही है तो यहाँ पे ओपन करते हैं शायद कुछ मजेदार मिल जाए तो चलो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो बर्फीले बाबा का घर था मुझे लगता है वो यहाँ से निकल चुके हैं और कितने मैंने किए पांच और पांच थोड़े दूर करते हैं ये पास पास में होते हैं ना तो इनको नजर लग जाती है एक दूसरे की तो चलो अभी करते हैं पूरा काम तोड़ने का तो चल अभी खाली है ओ भाई इसमें तो बहुत सारे रेल की पटरिया मिली है और यहाँ पे क्या है ओके भैया तो यार घास फूस ही मिल रहा है और कुछ खास मिल तो नहीं रहा है एक यहाँ पे क्या है इसमें भाई अब इसमें बहुत सारे निकल रहे हैं आधे से ज्यादा में कुछ ना कुछ सामान निकला है तो देखते हैं कि इसमें क्या मिला है ओ गाइस मेरी पूरी इन्वेंटरी फुल हो चुकी है यहाँ और कुछ खाना पीना और घास फूस मिला है तो गाइस ये वाला प्लान तो फ्लॉप हो गया मुझे लगता है की मेरी इन्वेंट्री खाली करनी पड़ेगी जो सामान बेकार का है वो मैं निकाल देता हूँ तो काफी सारा सामान मैंने निकाल दिया है और सामने मुझे पीलेजर आउटपोस्ट दिख रहा है चलो वहां जा सकते हैं भाई हम यहाँ से जंप मारे

कर रही है यहाँ पे ओ भाई इससे बच के रहना पड़ेगा पता नहीं ओके सामने मेरे को यहाँ पे रुइन पोर्टल दिख रहा है तो चलो जल्दी से वहां जाके खोलते हैं पहले कुछ खाना खा लेता हूँ ओके यहाँ पे आ गया बस यहाँ पे कुछ अच्छा सा भाई ये क्या भूतिया जगह है क्या यहाँ पे ये कौन है मोहतरमा अरे इसकी शक्ल है की नहीं चलो छोड़ो हमें क्या लेना देना तो चलो यहाँ ओ भाई यहाँ पे कुछ स्कैम हो रखा है तो चलो यहाँ पे लगा के देखते है एक दो तीन भाई यहाँ पे तो जादू हो रहा है देखो सारे बक्से एक के अंदर एक समाज आ रहा है भाई तो छह डाले मैंने दो दो इधर डाल देता हूँ बाकी के दो इधर तो आई होप कि मेरे को कुछ अच्छा सामान मिल जाए तो पहले इनसे शुरुआत करते हैं और भाई वापस से घास फूस इसमें तो खाली था डब्बा और ये क्या है ये ये भी भाई ये खाली थे अब ये डब्बे देखते है ओ भाई ओ ओ, ओ ओ यहाँ पे भी कुछ सामान तो मिला है लेकिन गाय सारा कच्चर पट्टी है ये देखो कुछ काम का नहीं है यहाँ पे मेरे को स्वर वगैरह दिख रही है लेकिन चलो टोटल आधे बक्से तो हमने खाली कर दिए है मतलब जो भी मिस्ट्री बॉक्स थे और उसमें से अभी तक कुछ खास निकला नहीं है तो सामने मेरे को एक और विलेज दिख रहा है ये मेरे घर के पास वाला विलेज नहीं है ये कोई डिफरेंट है तो वहां जाके देखते हैं वहां जाके खोलेंगे तो शायद कुछ हमारा अच्छा सा लक बन जाए तो चलो जल्दी से चलते हैं और आई होप की वहां पे आयरन गोलम ना हो नहीं तो वो हमारे बक्से उड़ा उड़ा के फेंक देगा तो चलो गाँव के चौराहे पे चलते हैं और एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ और दस दस हो गए हैं ओ मेरे को एक आयरन पिकेट्स भी मिल गई है। ये मैंने देखा नहीं था तो चलो भाई इससे ही तोड़ते हैं यहाँ पे भी कुछ नहीं है इसमें भी ओ भाई साहब अब कुछ खजाना मिला है ये देखो इतना भी कुछ खास नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा है। देखो आयरन की लेगिंग्स मिल चुकी है और यहाँ पे आयरन का हेलमेट है है मिल चुका है। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी डायमंड का है तो चलो आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है खाली है खाली है खाली है, खाल... तो वापस से लकड़ी का सामान यहाँ पे क्या है लकड़ी का सामान भाई साहब और यहाँ पे कुछ आयरन वगैरह है तो वो मैं ले लेता हूँ और डायमंड भी थे तो इसके अंदर बाइक खाली है तो अभी सिर्फ चालीस बचे है मिस्ट्री बॉक्स और गाइस आखिरी दस है ना मैं नेदर में जाके खोलूंगा शायद वहां पे कुछ खतरनाक चीज मिल जाए गाइस अभी हमें जगह चेंज करनी पड़ेगी चलो काम करता हूँ यहाँ पे रेल की पटरिया लगा देता हूँ बस ऐसे ही मेरा मन कर गया चलो लगा लो लगा लो भाई लगा लो घोड़ा हट जाए यहाँ से चलो, चलो 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 ओके अब अच्छा लग रहा है अब इस गाँव में थोड़ा सा डेवलपमेंट दिख रहा है ओके मैं आ गया हूँ डेजर्ट बायोम में और यहाँ पे देखते हैं ओ यहाँ पे डेजर्ट टेम्पल भी है तो उसके अंदर भी जा सकते हैं तो चलो पहले एक काम करते हैं यहाँ पे बाहर खोल के देखते हैं बाहर कुछ अच्छा नहीं मिला तो अंदर जाते हैं तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ओके दस हो गए हैं अभी इसको तोड़ते हैं अरे मेरे को ट्रेजर मैप मिला था क्या वाट ओके यहाँ पे ट्रेजर है लेकिन मैं कहाँ पे हूँ मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा अच्छा मेरे को वैसे भी समझ नहीं आ रहा ये मैप छोड़ो हम अपने बक्से ही ओपन करते हैं और यहाँ पे पोषण मिला है गाइस मैं चेक करता हूँ कौन सा पोषण है गाइस वापस से मुझे पोषण ऑफ रीजनरेशन मिला है तो चलो कोई बात नहीं और ये फालतू का सामान 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 ये क्या है फालतू का सामान और यहाँ पे ओके यहाँ पे भी कुछ नहीं है लेकिन एक बक्सा बचा है इसे खोलते है भाई इसमें से भी कुछ नहीं निकला चलो आगे ओ भाई ये क्या निकला इसमें से भाई ये तो शावर निकल गया इतनी गर्मी में चलो भाई नहाने का सामान मिल गया चलो ये कुछ अच्छा निकला है ओके बाद में नहा लेंगे तो चलो अरे मैंने ग्यारह ओपन कर लिए क्या ओह माय गॉड गाइस हीरो को मत बताना <laughs> मैंने पे एक रूल ब्रेक कर दिया है तो चलो कोई बात नहीं इस टेम्पल के अंदर मैं नौ खोल लूंगा अंदर चलते हैं और यहाँ पे ओ ये टेम्पल ऑलरेडी लूटा हुआ है तो हम यहाँ पे बाहर ओपन करेंगे ठीक है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ओके दस हो गए हैं अरे यार यहाँ पे नौ करने थे चलो कोई बात नहीं एक

करने वाला हूँ यहाँ पे हो चुके हैं अभी इनको करते हैं। ओपन, फालतू है, 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 तो गाइस अभी दस बचे ओ, ये पीछे वाला गया, शायद इसमें कुछ खास हो सकता है कुछ भी नहीं है तो गाइस यहाँ पे सिर्फ दस बचे हैं और इन दस को मैं में जाके ओपन करने वाला हूँ तो चलो पहले नेधर पोर्टल बनाते हैं फिर चलते हैं तो गाइस मैं आ चुका हूं इस वीरान से विलेज में और और यहां पे हम बनाएंगे पोर्टल चलो बना लेते हैं तो अभी इसको एक्टिवेट करेंगे ओके चलो, चलो चलते हैं में ओके मैं आ गया ओ भाई 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 ये सही में खतरनाक जगह है तो चलो ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे हम इधर ही यहाँ पे दस ओपन कर लेते और आखिरी वाला कुछ खतरनाक होने वाला था मेरा मतलब है बहुत ही सरप्राइजिंग होने वाला था तो देखते हैं कि उसमें से क्या निकलता है मैं इसको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे बनाऊंगा ताकि मेरे को आइडिया रहे कितने कहां पे है है ठीक तो चलो कहा दो तीन चार ओके, खास नहीं मिला यहाँ पे ये देखो इसमें भी कुछ नहीं था इसमें भी कुछ नहीं है और बाकी के कहा निकला भाई ओ, भाई डायमंड की ट्रॉफी नंबर वन ओ भाई भाई अगर ये वाला सरप्राइज है नहीं ये वाला सरप्राइज नहीं हो सकता अभी भी यहाँ पे कितने बच्चे है? चार बच्चे तो चलो इनको ओपन करते हैं ये वाला कर लिया यहाँ पे भी कुछ नहीं है गाइस मेरे को डायमंड की ट्रॉफी मिल गई है ओके ये आखिरी वाला बचा है गाइस इसमें सच में, में बहुत ही शानदार चीज हो सकती है तो दिल थाम के बैठिए हम इसे ओपन करने जा रहे हैं तो थ्री टू वन लेट्स गो अरे भाई इसमें से तो कुछ खास सामान नहीं निकला लेकिन मैं यहाँ पे टपक गया